दोस्तों एक तरफ है इंडिया और एक तरफ है अफगानिस्तान। क्या टीम इंडिया जीत सकेगी इस मैच को? सुपर एट में दोस्तों पहला मैच होगा टीम इंडिया का, और दोस्तों कैसे टीम इंडिया इस मैच को जीत सकती है, कैसे दोस्तों अफगानिस्तान हमें हरा सकती है, और दोस्तों दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन इस मैच में हम देखेंगे क्या हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों पिच रिपोर्ट आपको इस मैच की बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम पिच रिपोर्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये मैच जो है वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा, और ये थोड़ा सा न्यू ग्राउंड है, मतलब वैसे न्यू ग्राउंड नहीं है। यहाँ दोस्तों टीम इंडिया ने बहुत ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं, लेकिन दोस्तों इस T20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच यहाँ नहीं खेला। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अफगानिस्तान जो है वो वेस्ट इंडीज में ही खेल रहे हैं पहले से ही, तो उनको थोड़ा सा मतलब यहाँ जो है मेरे हिसाब से फायदा मिलेगा, तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ की अगर मैं पिच रिपोर्ट बताऊँ तो देखिए दोस्तों यहाँ जो है फास्टर बॉलर चलेंगे और यहाँ बैटिंग बहुत ज्यादा चलेगी। अब ये ग्राउंड कौन सा है मैं आपको बता दूँ, जहाँ दोस्तों इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में मैच खेला गया था, वहाँ दोस्तों मेरे हिसाब से जो पहले बैटिंग ऑस्ट्रेलिया ने की बहुत ज्यादा रन बनाए थे, यही पिच जो है यहाँ यूज होगी शायद मेरे हिसाब से। ये दोस्तों पिच रिपोर्ट इस मैच की हो सकती है। दोस्तों दोनों टीमों के प्लेइंग इलेवन बात करते हैं। देखिए दोस्तों अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान ओपनर्स होंगे। रन जादरान जो है नंबर 3 पे, नंबर 4 पे दोस्तों अजमतुल्लाह उमर जाई, नंबर 5 पे दोस्तों मोहम्मद नबी, नंबर 6 पे दोस्तों गुलबुद्दीन नाइब, नंबर 7 पे दोस्तों मेरे हिसाब से जन्नत, नंबर 8 पे रशीद खान नूर अहमद, नंबर 10 पे नवीन उल हक, और नंबर 11 फजल अक फारूकी। देखिए दोस्तों यहाँ कोई चेंजेस नहीं होंगे, बेस्ट प्लेइंग 11 जो है मेरे हिसाब से यही है अफगानिस्तान टीम की, और मेरे हिसाब से इसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। चेंजेस होंगे तो मेरे हिसाब से जो है अफगानिस्तान के लिए खराब बात होने वाली है, तो देखने वाली बात होगी यहाँ जो है क्या चेंजेस होते हैं। दोस्तों टीम इंडिया की बात करूँ तो देखिए दोस्तों रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये दोनों जो है मेरे हिसाब से ओपनर्स आ रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ चेंज हो जाए, लेकिन दोस्तों हो नहीं रहे हैं, देखने वाली बात होगी। देखिए दोस्तों पिच जो है वो चेंज हो गई है। दोस्तों यूएसए में जो कंडीशंस थी मेरे हिसाब से यहाँ नहीं रहेगी, तो मेरे हिसाब से चेंजेस हो सकते हैं। नंबर 3 पे दोस्तों ऋषभ पंत, नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पे दोस्तों मेरे हिसाब से शिवम दुबे, नंबर 7 अक्षर पटेल, नंबर 8 पे दोस्तों कुलदीप यादव खेल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके चांसेस इसीलिए है क्योंकि दोस्तों वो जो दोस्तों एक पिच थी जहां हम इतने ज्यादा मैचेस खेल रहे थे, वहां दोस्तों हमने जो है फास्टर बॉलर्स को चलते हुए देखा, लेकिन दोस्तों यहाँ जो है मेरे हिसाब से स्पिनर बॉलर चल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से जो है यहाँ इनको जगह मिल सकती है। नंबर 9 पे दोस्तों अर्षदीप सिंह, नंबर 10 पे दोस्तों चहल, और नंबर 11 पे बुमराह। तो देखिए दोस्तों चेंजेस मैंने आपको बता दिया क्या हो सकता है, दो चेंजेस होंगे, जडेजा की जगह जो है कुलदीप यादव आएंगे, मोहम्मद सिराज की जगह जो है चहल खेल सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान इस मैच को कैसे जीतेगा, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया के ज्यादा चांसेस है। अफगानिस्तान को अगर जीतना है तो इनके स्पिनर चलने चाहिए, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया के जो बैट्समैन है वो स्पिनर्स बॉलर्स के सामने जो है थोड़े से डरते हैं, और मेरे हिसाब से विराट कोहली, रोहित शर्मा स्पिनर पे बहुत ज्यादा आउट होते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर दोस्तों ये दोनों जो है मेरे हिसाब से खेल जाते हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली, तो मेरे हिसाब से अफगानिस्तान हार सकती है। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने कहा स्पिनर बॉलर बहुत बढ़िया है, मोहम्मद नबी है, नूर अहमद है और रशीद खान है, ये जो दोस्तों तीनों स्पिनर बॉलर है वो सबसे बढ़िया है, ये दोस्तों किसी को भी आउट कर सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा अच्छा खेलना होगा। मेरे हिसाब से अगर ये रन खाएंगे तो मेरे हिसाब से अफगानिस्तान हारेगी, लेकिन जीतना है तो जैसे मैंने आपको बताया इनके स्पिनर बॉलर चलने चाहिए, और टीम इंडिया को अगर जीतना है दोस्तों तो मेरे हिसाब से जो है टीम इंडिया के बैट्समैन चलने चाहिए। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात यह है कि विराट कोहली अगर इस मैच में चल जाते हैं तो टीम इंडिया जो है ये मैच जीत जाएगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दोनों में से एक बैट्समैन चलना चाहिए, और मेरे हिसाब से ये मैच जो है टीम इंडिया जीत सकती है। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात यह रहेगी कौन सा बैट्समैन चलेगा, बैटिंग पिच तो है ही दोस्तों, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ कौन चलेगा सवाल रहेगा। और दोस्तों फास्टर बॉलर अगर इस मैच में चल जाते हैं टीम इंडिया के, तो टीम इंडिया ये मैच जीत जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।